वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक। और आज जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो दुबई में फर्स्ट डे ऑफ ईद का व्लॉग है, और हस्बैंड और बच्चे सब ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और अब जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। तो हम लोग जो है ना कभी भी दुबई स्लॉटर हाउस में ना कभी भी नाम नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा दोपहर हो जाती है। और इस बार तो इतना ज़्यादा डिले हो गया, कई लोगों के बकरे ही नहीं हुए या कई लोगों की कलेजियाँ आईं तो इतनी देर में आईं, इसलिए हम लोग जो है अपना अलग ही करवाते हैं। तो बस अभी बच्चे और हस्बैंड जाएँगे कुर्बानी करके आएँगे, मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो दोपहर में लंच पर दावत है, मेरे मायके वाले आ रहे हैं। कुर्बानी करके कलेजी वलीजी लेके आएंगे, जब तक यहाँ पे ना मैं अपना दूसरा किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मटन मैरिनेट कर रही हूँ, और ये है 2.5 किलो मटन, और इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी हूँ और हल्दी डाल दी हूँ 1 बड़े चम्मच भर के। और उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दी हूँ 4.5 चम्मच, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर मैंने डाली हूँ 2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर जो है वो 1.5 टीस्पून, और उसके बाद मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दी हूँ, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये कच्चा पपीते का पेस्ट डाली हूँ, और ये जो पपैया है ना ये हमारे पेड़ का है, एकदम अच्छा एकदम फ्रेश ताज़ा पीस के मैंने डाली हूँ। और ये इसके अंदर जा रही है दही, जो कि है 2.5 कप। अब बस इसको ना मैं मटन को मैरिनेट करके रख दूँगी, और जब तक मैं दूसरा काम यहाँ करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अब यखनी पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तो ये गोश्त जो है ना ये हम लोग मार्केट से ले आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्बानी वाला गोश्त जब तक आएगा फिर मैं बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये देखें, ये गोश्त को जो है मैंने कुकर में डाल दी हूँ, इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी हूँ, और एक प्याज जो है ना उसको बड़ा बड़ा 4 टुकड़ा मैंने करके इसके अंदर डाल दी ताकि निकालने में आसानी हो। अच्छा, और ये जो स्ट्रेनर है ना इसके अंदर मैंने यखनी पुलाव के सारा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, नमक सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ, और पानी जो है वो पूरा सूप बन जाए इतना पानी मैंने डाल के, और इसको जो है मैंने कुकर को रख दिया हूँ गैस पे, और जब तक ये मटन यहाँ पे गलेगा ना जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये जो है अब ट्रेडिशनल जो सेवई होती है ईद की वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो शीरा मैंने एक तरफ चढ़ा दी हूँ, और दूसरी तरफ जो है मैं ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ, और हल्का हल्का सा जो है सुनहरा कलर आ जाएगा तो उसको जो है मैं सब निकाल लूँगी। दुबई में आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर सब लोग जो है ना वो दूध वाली शेर खुरमा बनाते हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे ये जो किवामी सेवई ना ये हर घर में आपको नहीं मिलेगी, तो इसकी ना काफ़ी डिमांड होती है। ये अपने आज़मगढ़ यूपी वालों की तरफ जो है ना ज़्यादातर बनती है। तो ये सेवई जो है ना ये मेरे ससुराल से आती है और मेरी सास भेज देती है ईद बकरीद के हिसाब से पूरी। तो बस ये देखिए, मैंने इसको जो है असली घी में जो है सेवई को कोर ली हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर करी हूँ, और जब सेवई ठंडी हो गई और शीरा भी पक के ठंडा हो गया तब मैंने इसके अंदर डाल दी दोनों को। और यहाँ पे ना मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे, इस बार मैंने अखरोट नहीं डाली हूँ, मेरी सास कहीं थी अखरोट डालने से कड़वा हो जाता है तो मैंने अखरोट नहीं डाली हूँ इस बार, और बाकी बादाम है और काजू है, पिस्ता है। तो उसके बाद देखें, ये जो है ये है खोया, और ये आदिल में मिलता है। इससे पहले कि सब लोग मुझसे पूछें आपने खोया कहाँ से लिया, मैं बता देती हूँ कि ये आदिल से मैं लेती हूँ, लुलू में भी अब मिलता है। बस अब मैं इनको डाल के धीरे आंच पे पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि सेवई अच्छी सी जो है वो गल जाएगी। अच्छा, अगर मीठे में सेवई हैं तो बलाई बनाना तो लाजिम है, क्योंकि बगैर बलाई के सेवई का मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे ना मैं 2 पतीली में अलग अलग बलाई चढ़ा रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, 20-25 लोग हैं। तो जो है बस मैंने दोनों में जो है ना दूध डाल दी हूँ और क्रीम ऐड कर दी हूँ, बहुत ईजी है, दोनों को मिक्स कर देना है, और उसके बाद एक बार बॉयल आ जाएगा तो धीरे आँच पर 1-1.5 घंटे तक छोड़ दूँगी।
अच्छा अब यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ कि जब भी ईद में दावत होती है, बकरीद होती है या दूसरी भी कोई दावतें होती हैं, तो मैं ना अपना फूड प्रोसेसर में जो है ना सारी प्याज टमाटर जितनी भी कटिंग चॉपिंग वाला काम है ना मैं उसी में कर लेती हूँ। बारीक प्याज और लंबी प्याज सारी लचेदार प्याज सब कुछ उसमें आसानी से कट जाती है। अच्छा यहाँ पे ना मैं अब मटन का काम कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेट करी थी, चटखारा बोटी बना रही हूँ मैं मटन की। तो उसके लिए ना मैंने ये 6 टमाटर ली थी और आप देख रहे हैं किस तरह मैंने गोल गोल उसको स्लाइस करके डाली हूँ। तो जब वो गल जाएगा तो मैरिनेटेड मटन जो था, जो मैरिनेट करे थे, वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है ना मज़ीद पकने के लिए ना आधा पौना घंटा छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखें दूसरी तरफ मैंने ना लेमोनेड की तैयारी करी हूँ क्योंकि इंतहा गर्मी है, गर्मी की इंतहा है, तो इसलिए जो है ना ये लेमोनेड की बहुत खींच होती है और सब लोग मेरा लेमोनेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर ना पुदीने वाला लेमोनेड मैंने बनाई हूँ, मिंट वाला, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मोहितो वोहितो तो मैंने कई दफ़ा बना के पिला चुकी हूँ, तो सोचा चलो इस गर्मी शदीद गर्मी में मैं लेमोनेड बना देती हूँ ये वाला। तो इसको आप खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर एज अ वेलकम ड्रिंक भी रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पीछे पतीली में आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो कुर्बानी के दिन और बकरीद के दिन भी ना सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं जैसे कि मैं। तो यहाँ पे ना मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत इजी झटपट बनती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कौन खाएगा सब्ज़ी, तो मैंने कहा मैं खाऊँगी और बहुत सारे लोग हैं जो सब्ज़ी खाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो सिर्फ नॉनवेज ज़्यादा ही ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ी उनको साइड में चाहिए होती है मटन के। तो मैंने कहा नहीं सब्ज़ी तो रहेगी। तो बस ये आलू मेथी जो है ये मैंने पीछे चढ़ा दी हूँ, इसमें है मेथी आलू हल्दी नमक बस, तो फिर बस ये बहुत इजीली बन जाती है। और यहाँ देखें ये मटन जो है ना ये अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। इस स्टेज पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर धनिया की पत्ती ऐड करेंगे खूब सारी अच्छी से खुशबूदार, और ये कटी हुई हरी मिर्च है लंबी लंबी मोटी मोटी काटी हूँ, और ये ना तली हुई प्याज है। तो बस इसको डाल के ना हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको और जो है पकने के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें कच्चा पपीता था तो ये मटन जो है बहुत जल्दी से गल गया। और ये देखिए दूसरी तरफ बलाई भी हो गई थी तो उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ना उसको ठंडा करने के लिए रख दी थी, और जब वो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो गई तब उसके बाद जो है मैं इसको फ्रिज में रख दी थी। आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाली तो ये देखिए मोटी सी अच्छी वाली बलाई जो है वो जम गई है। दुबई में ना आपको कोई गाय भैंस का इतना अच्छा दूध नहीं मिलेगा जिसमें कि इतनी मोटी मोटी बलाई मिलेगी, तो आपको जो है ना इसी तरह से जो है ना क्रीम से बनाना पड़ता है बलाई, और बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की बनती है। इनफैक्ट जो है ना पूरी दावत का शो स्टॉपर जो है ना वो ये बलाई रहती है, मतलब कि लोग लूट लूट के खाते हैं, 2 क्या 3 4 भी अगर आप बना देना तो सब ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं इसको क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख दूँगी और ताकि इसका जो है टेस्ट वो चेंज ना हो। और ये जो है मैंने बस आज की दावत के लिए बनाई हूँ, तीसरे दिन फिर मेरे घर दावत है, मेरे ससुराली लोग आएंगे तो उनके लिए मैं फिर से अलग से बनाऊंगी। ये बहुत इजीली बनती है, बस ये है कि इसमें टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, आधा एक घंटा छोड़ना पड़ता है। अच्छा यहाँ देखिए हस्बैंड जो है वो कुर्बानी करा के माशाल्लाह से आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी हो गया, और कलेजी वलेजी ले आए हैं तो बस मैं जल्दी जल्दी वॉश करके ना अपने काम की चीज़ें जो हैं वो चढ़ा दूँगी। तो ये देखें कलेजी को मैंने वॉश कर दिया और जो है मैं इसको चढ़ा दी हूँ। अच्छा मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना इतनी हबड़ हबड़ हो रही थी और मुझे ना एकदम टेंशन होने लगी थी कि अभी मुझे कुर्बानी वाले गोश्त की भी कलेजी बनानी है, गोश्त बनाना है, तो इसलिए मैंने जो है ना कलेजी की शूटिंग नहीं की। बाद में मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये कलेजी यहाँ पे हो गई है, मैंने इसको प्रेशर दे दिया। अच्छा ये देखिए ये कुर्बानी वाला गोश्त जो हस्बैंड लेके आए थे तो उसकी जो है मैं यहाँ पे अब हरे मसाले का गोश्त बना रही हूँ। ये देखें खूब अच्छी सी चर्बी है और ये चर्बी वर्बी का अपना ही मज़ा होता है, एक अलग टेस्ट होता है। तो बस गोश्त में मैंने एक हल्दी डाल दी हूँ और उसके बाद ना सॉल्ट ऐड कर दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर फूड प्रोसेसर में बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी हूँ। तो ये हरे मसाले का गोश्त है ना ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सिंपल सा होता है और बहुत मज़ा आती है। तो बस तेल डाल के मैं इस कुकर को जो है रख देती हूँ गैस पे, और जब तक यहाँ गोश्त गल रहा है ना तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है मैं उसके मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो ऑयल में मैंने डाल दी हूँ जीरा और सारा खड़ा गरम मसाला,
और उसके बाद मैंने वापस से चॉपर में ना छोटी छोटी टमाटर काट ली हूँ। तो फूड प्रोसेसर में जब टमाटर काटो ना, इतना अच्छा बारीक कटता है जैसे लगता है पीसा हुआ है। और ये हरी चटनी है, बस धनिया की पत्ती और मिर्चा, इसकी हरी चटनी मैंने बना ली है, क्योंकि हरे मसाले का गोश्त है तो ग्रीन होना तो लाजिम है। देखिए ये गोश्त जो है ना वो गल गया है खूब अच्छी तरह से, और इसके पानी समेत जो है मैंने इसको डाल दी हूँ मसाले में। अब ये मसाला और ये गोश्त एक जान होगा, और तब तक जो है मैं यहाँ पर चावल की तैयारी कर लेती हूँ। मेहमान जो है उनके आने का एकदम टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर गई और मैंने जो है अपना कपड़ा चेंज कर ली। वैसे कपड़ा मैंने खास कुछ बनाया नहीं, इस बार जो है मेरे साथ सीन हो गया, टेलर मेरा कपड़ा लेके बैठ गया, मोबाइल बंद करके बैठ गया, मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया। बहरहाल कपड़े का स्टॉक तो था, मैंने उसमें से कुछ पहन ली। और बस यहाँ देखें मैं यखनी पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, तो बस पतली पतली प्याज जो है ना वो डाल के मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ, गोश्त जो मैंने बॉईल करके रखी थी, और उसके बाद दो हरी मिर्चें और दही बस डाल के इसके अंदर जो पूरा यखनी वाला जो सूप था वही मैंने ऐड करी हूँ। अलग से कुछ नहीं ऐड करी, क्योंकि उसी में जो है वो असली टेस्ट है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हूँ चावल। यखनी जो है ना वो दावतों में ना बहुत ज़बरदस्त हिट रहती है, क्योंकि ना मटर पुलाव और ज़ीरा राइस से हट के जो है ना ये यखनी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। मतलब बहुत ज़्यादा मिर्चा मसाला भी नहीं होता, गोश्त भी रहता है, एक फुल डिश रहती है। तो बस ये देखें, और ये जो आप बर्तन देख रहे हैं चावल वाला, ये मैंने अभी ईद पे ही नया ली हूँ, और ये स्पेशली राइस के लिए, क्योंकि जितना फैला बस मेहमान आ गए थे, और इससे पहले कि जो है मैं मेहमानों में बिज़ी हो जाऊं, मैंने सोचा जल्दी से आपको सब सर्व करके दिखा देती हूं। तो देखिए चटकारा बोटी रेडी है, और आलू मेथी है, और ये है हरे मसाले का गोश्त, और यहां पे जो है ना वो है मिंट लेमोनेड, और ये एक डिश रह गई थी जो है कलेजी। तो सब कुछ जो है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो सेकंड दावत होने वाली है ससुराल वालों की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी रेसिपीज़। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज की रेसिपीज़ और आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डिश पसंद आई हो तो फिर जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ, और फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड डोंट फर्गेट टू